हेलो डियर स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का इस चैनल पे, जहाँ पे हम लोग आज बात करने वाले प्यारे विद्यार्थियों एसएससी सीजीएल 2022 वालों के लिए, ठीक है ना। 2023 में जो एग्जामिनेशन हुआ उसको उससे रिलेटेड जो यहाँ पे लिखा है ना, एसएससी सीजीएल 2023, बिल्कुल ये 2022 वालों के लिए है प्यारे विद्यार्थियों। सोच समझ के पोस्ट सेलेक्ट करना, ये क्यों लिखा गया इसके बारे में बताऊँगा आपको कि ऐसा मैंने क्यों लिखा है और इसका रीज़न क्या है। प्यारे विद्यार्थियों, टॉप पोस्ट जो कि सबसे ज़्यादा फेवरेट पोस्ट होती है स्टूडेंट्स की, वो होती है आपकी इंस्पेक्टर्स की, चाहे वो एक्साइज इंस्पेक्टर हो, चाहे वो जीएसटी ही अब इसका एक्साइज किया जाने लगा, और बाकी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हो, चाहे आपका एग्जामिनर हो इंस्पेक्टर पोस्ट का, ठीक है ना। ये फेवरेट पोस्ट होती है भाई, वर्दी लेनी ये वह। तो लेकिन हम लोग बात करेंगे प्यारे विद्यार्थियों अपने एक्सपीरियंस के ऊपर, चूँकि मेरे तो इंस्पेक्टर पोस्ट पर सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन जो मेरे साथ मिले और बातें हुई उनसे जो एक्सपीरियंस मुझे मिला वो मैं आपको बताऊँगा प्यारे विद्यार्थियों। तो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो प्यारे विद्यार्थियों। इस समय आपके लिए अनअकैडमी के जो नवरात्रि ऑफर है, बहुत बेहतरीन ऑफर है प्यारे विद्यार्थियों। यहाँ पे PMYT डिस्काउंट कोड यूज़ करके आप 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन में केवल और केवल आपको 5831 पे करना है, और आपका अगर 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन है प्लस की फ़ीस जो है आपको 4859 ही पे करनी है। यानी आप यहाँ पे सेव कर 6000 रुपये सेव कर रहे हो, यहाँ पे 5000, मतलब आप समझ सकते हो कि कितनी ज़्यादा एक साल के और दो साल के सब्सक्रिप्शन पे आपकी जो फ़ीस है वो कम हो जा रही है। PMYT डिस्काउंट कोड यूज़ कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं प्यारे विद्यार्थियों, ये है पॉइंट जिस पे हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये चार पांच पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, इन पांचों पॉइंट को मैं बहुत विस्तार से बताऊंगा आपको कि क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ पे करनी चाहिए। 2022 का रिजल्ट आ चुका है, ठीक है, सॉरी 2022 सीजीएल मेंस का आंसर किया आ चुका है, एग्जामिनेशन हो चुके हैं और सब लोगों ने आंसर की मिला के ये निश्चित भी हो गया होगा कि मतलब मैं कहाँ तक पहुँच गया हूँ। अब देखो, सेलेक्ट करने का एक रीज़न है, जैसे आप मान लो टॉप 15 में आए, टॉप 500 में आ गए हो आप, टॉप 100 में आप आ गए, तब तो आप कोई भी पोस्ट सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ से आपको कोई भी पोस्ट मिल सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आप पोस्ट सेलेक्ट कर सकते हो जो आपकी इच्छा हो। लेकिन मैं आपको बताऊँगा, पहले पॉइंट पे हम लोग बात करेंगे प्यारे विद्यार्थियों, ये प्लेस क्या है, मैंने प्लेस क्यों लिखा है, इसका बहुत बड़ा रीज़न है। सबसे पहली बात तो जब तक हम तैयारी करते रहते हैं तब तक हमें ये लगता है कि हाँ यार कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ हो ही जाएगा, ठीक है। लेकिन जब पोस्टिंग हमारी हो जाती है तो उस समय सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हमें आती है। बात समझिएगा आपकी, मैं अगर कहूँ प्लेस की इम्पोर्टेंस क्या है भाई, आप देखो क्या है, इंस्पेक्टर पोस्ट है। अब जब आप तैयारी करना शुरू किए तो इसके बारे में, इस इंस्पेक्टर पोस्ट के बारे में आपसे इतनी बड़ी हाइप क्रिएट की जाएगी, आपसे बताया जाएगा, चाहे वो कोई भी आपके टीचर हो, कहेंगे भाई बहुत ज़्यादा पावर है ना, बहुत ज़्यादा इसमें क्या है, आप वर्दी मिलेगी आपको। सबसे पहला सपना तो बच्चों का ये होता है कि वर्दी मिलेगी, लेकिन प्यारे विद्यार्थियों इसमें जो प्लेस है इसका बहुत बड़ा योगदान है। एक साल नहीं तो दो साल इसके बाद आपको ये वर्दी जो है वो अच्छी नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि आपकी पोस्टिंग हो जाएगी आपके घर से दूर, ठीक है। अब मैं अगर इंस्पेक्टर पोस्ट की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा इंस्पेक्टर जो प्यारे विद्यार्थियों एसएससी की तैयारी करते हैं वो नॉर्थ रीजन वाले होते हैं स्टूडेंट, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, हम लोग की रीजन की तरफ से बच्चे जो हैं वो ज़्यादातर तैयारी करते हैं, ताकि क्योंकि हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज़ वगैरह नहीं है, और इंडस्ट्री ना होने की वजह से हम लोग जो है वो उसके पीछे भागते हैं गवर्नमेंट जॉब की तरफ। अब आप सच्चाई समझिएगा, सच्चाई ये है प्यारे विद्यार्थियों कि इंस्पेक्टर पोस्ट पे अगर आपकी सिलेक्शन मान लीजिए साउथ में हो जाती है, इंस्पेक्टर पोस्ट पे आपका सिलेक्शन जो है मान लीजिए कर्नाटका में हो गया, ठीक है, बेंगलुरु में हो गया, ठीक है, कर्नाटका के बेंगलुरु में हो गया, मान लीजिए आपका जो सिलेक्शन है वो आपका जैसे और नीचे चले जाइए, ठीक है ना, तेलंगाना में हो गया, तो आप एक बात समझिए कि एक साल के बाद बाहर वाले लोग तो ज़रूर कहेंगे कि बेटा आपका इंस्पेक्टर है ये वो, भाई अच्छी बात है, लेकिन आपके साथ क्या होगा भाई, आपकी नौकरी पाने के बाद लाइफ टाइम। क्योंकि अब मैं एक सच्चाई बताऊंगा जो सच्चाई आप लोगों को शायद नहीं पता होगा प्यारे विद्यार्थियों, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हुआ, इनकम टैक्स हुआ, चाहे एक्साइज हुआ, इन दोनों डिपार्टमेंट ने अपने प्रमोशन को लगभग बंद कर दिया। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर प्रमोशन लगभग क्या हो गया है, क्लोज हो चुका है, ठीक है, प्रमोशन में ही नहीं, सॉरी ट्रांसफ़र, ठीक है, ट्रांसफ़र जो है वो लगभग क्लोज हो चुका है। तो आपको FER ये सोच के नौकरी ज्वाइन करना होगा कि भाई आप अपने घर नहीं आ पाओगे। दूसरी बात, अब हम देखते हैं वर्कलोड पे, ये प्यारे विद्यार्थियों हमेशा से डिपेंड करता है आपके रीजन के हिसाब से, आप किस रीजन में हो, आप किस कैडर में हो, ये डिपेंड करता है आपका
वर्कलोड पे। हो सकता है कि आप ऐसी जगह पे हो जहाँ पे इनकम टैक्स और एक्साइज में जो काम है वो कम है, तो आपके आपके साथ भी काम कम होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, वर्कलोड जो प्यारे विद्यार्थी कहाँ डिपेंड करता है, आपके जो है कैडर पे, किस कैडर में आपका पोस्टिंग हुआ है, किस कैडर में आपका प्रमोशन हुआ है, उस पर डिपेंड करता है। अब हम बात करते हैं प्रमोशन पे, ठीक है। प्रमोशन, प्रमोशन प्यारे विद्यार्थियों अगर हम बात करें प्रमोशन की, तो आप समझ लीजिए कि अगर आप आईटी में हैं, इनकम टैक्स में हैं, और आपका सिलेक्शन किस पे होता है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर पे, ठीक है। आपका सिलेक्शन किस पे होता है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर पे, तो आपको इनकम टैक्स ऑफिसर बनने में प्यारे विद्यार्थियों 3 से 5 साल लग जाएंगे, 3 से 4 साल लग जाएंगे। और ये प्रमोशन भी होता है, ये भी आपका कैडर पे ही डिपेंड करता है, ठीक है, डिपेंड ऑन कैडर। किस कैडर में आपका सिलेक्शन हुआ है, साउथ में हुआ है, नॉर्थ में हुआ है, या फिर जिस जिस कैडर में हुआ उसके कैडर के हिसाब से ये डिपेंड करता है। तो अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, उन्होंने दिल्ली, मान लो टैक्स असिस्टेंट की पोस्ट, आपको पता है टैक्स असिस्टेंट की पोस्ट ये है आपकी 2800 ग्रेड पे की नौकरी, 2400, 2800, ठीक है। और इनकम टैक्स इंस्पेक्टर कितने की पोस्ट की नौकरी है भाई, ये है आपकी 4600 ग्रेड। अब दोनों में कंपेयर किया जाए, आपने ये चूज़ कर लिया, आप चले गए कहाँ पे, आप चले गए साउथ में, ठीक है, साउथ कैडर मिल गया आपको, अपने घर से दूर हुए। एक आदमी जो दिल्ली अपने पोस्टिंग लिया है टैक्स असिस्टेंट के पोस्ट पे, यहाँ पे उसकी पोस्टिंग प्रमोशन हो जाता है, 5 से 6 सालों में उसने प्रमोशन करके इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन गया। और आप 5 से 6 सालों में क्या हैं, वही हैं, और ना जगह चेंज हुई, और ये तो क्या है भाई, अपने घर से नज़दीक भी और इनकम टैक्स ऑफिसर भी, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर भी बन गया, कुछ साल बाद ऑफिसर भी बन जाएगा। यानी अगर आपको प्लेस चूज करना है प्यारे विद्यार्थियों, तो एक बात ध्यान दो हमारी, पहले सबसे पहले आप पोस्ट चूज करो, ठीक है, पोस्ट चूज करो। पोस्ट चूज करने में आपको क्या करना पड़ेगा, आप अगर आपको टैक्स असिस्टेंट की पोस्ट मिल रही है और आपके घर से नज़दीक मिल रही है, क्योंकि टैक्स असिस्टेंट की पोस्ट मिल जाती है, ठीक है, नियर बाई होम, तो बच्चे इसको आप ले लो, ठीक है, टैक्स असिस्टेंट की पोस्ट ले लो, उसके बाद आप यहाँ पे काम करो, अपनी मेहनत से काम करो, आप आराम से पहुँच जाओगे। फिर अगर आपको इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट मिल रही है और आप तैयार हैं कि भाई कम से कम 12 से 13 साल की जॉब करने के लिए, जब तक आप IRS पोस्ट पे ना पहुँचें तब तक वहीं रहने के लिए, साउथ में रहने के लिए, नॉर्थ वालों की मैं बात कर रहा हूँ, या फिर अपने घर से दूर कर रहने के लिए, ठीक है, अपने घर से दूर रहने के लिए आप अगर तैयार हैं, तो फिर आप बेसिकली जो फिर आप जाइए इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के साथ, कोई दिक्कत नहीं है, आप पोस्ट चूज कर लीजिए, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन जाइए और IRS पोस्ट का वेट करिए, तब तक आपका ट्रांसफ़र होगा। जब तक आप IRS पे नहीं जाएंगे तब तक आपका ट्रांसफ़र जो है बच्चे वो नहीं होने वाला, ये बात आप ध्यान रखना। ये हमारा एक्सपीरियंस है, हम लोग जो काम कर रहे हैं और हम लोग देख रहे हैं, ये एक्सपीरियंस बताता है बच्चों कि आपको ट्रांसफ़र कैसे लेना है और पोस्टिंग कैसे लेनी है। तो पोस्ट बहुत ध्यान से चूज़ करना आप, ठीक है ना, प्रमोशन हो गया, ट्रांसफ़र मैंने बताई दिया आपको क्या होगा। और सबसे बड़ी बात जो है हमारे स्टूडेंट के मन में जब हम तैयारी करते हैं तो वो होती है कि भाई चलो पैसा है, ठीक है ना, यहाँ पे पैसा है, बहुत ज़्यादा पैसा है, मनी बहुत ज़्यादा है, और भी पैसे ऊपर आपकी सैलरी से ज़्यादा मिल जाएगा। लेकिन भैया नहीं है, ऑनलाइन का ज़माना है, और ये गलत भी था, जितने भी लोग लेते थे वो पहले के ज़माने में लेते थे, अब ये गलत भी है। तो ऑनलाइन के ज़माने में अब कुछ भी नहीं है, आपको सैलरी अच्छी खासी दी जा रही है, उसमें आप आराम से रहिए, इतनी सैलरी गवर्नमेंट की तरफ से आपको दी जा रही है। और काम जो है, तो वर्कलोड जो है वो कैडर के हिसाब से डिपेंड करता है, प्रमोशन जो है वो कैडर के हिसाब से डिपेंड करता है। और प्यारे विद्यार्थियों, आपका कैडर जो है आपको बहुत ध्यान से चूज़ करना है। अगर आप 15 से 16 साल तक रहने के लिए तैयार हैं तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, एग्जामिनर, या फिर GST इंस्पेक्टर चूज करिए। अगर आप नहीं हैं तो फिर आप प्यारे विद्यार्थियों टैक्स असिस्टेंट की पोस्ट आपको मिलती है वो भी ले लीजिए, PA की पोस्ट मिलती है या फिर SA की पोस्ट मिलती है वो अपने घर से नज़दीक मिलती है वो ले लीजिए, क्योंकि आप अपने घर के नज़दीक रहेंगे, फिर तैयारी करके अपना काम करके प्रमोशन ले लेंगे, और हो सकता है कि, और जब ट्रांसफ़र नहीं होगा प्रमोशन लेने के बाद, आप अपने एरिया में ही रहेंगे, अपने कैडर में ही रहेंगे, ठीक है। तो बहुत सोच समझ के आप जो पोस्ट चूज करना, बहुत सारी चीज़ें थी जो मैंने आपको इस वीडियो में बताई। और अगर आप चाहते हैं अपनी तैयारी करना अनअकैडमी से प्यारे विद्यार्थियों, तो ये आपके ऑफर है, ऑफर जो है वो 22 से 25 साल के लिए वैलिड है। 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन जो है वो केवल 5831 में मिल रहा है, 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन 4859 में मिल रहा है। और PMYT डिस्काउंट कोड आप यूज़ कर सकते हैं 1 साल और 2 साल के सब्सक्रिप्शन के लिए। 22 से 25 मार्च के लिए ही ऑफर वैलिड है, तो तब तक आप सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। PMYT डिस्काउंट कोड सभी कोर्सेज के लिए अप्लीकेबल होता है, अनअकैडमी के सारे कोर्सेज के लिए, ठीक है। और सफलता का जो संकल्प चल रहा है प्यारे विद्यार्थियों, 18 से 25 तक के सारे
जो फ्री लाइव क्लासेस हैं अनअकैडमी के ऐप से, वो डिपेंड आप वो क्लासेस करिए और आपको मौका मिलेगा गिफ्ट वाउचर जीतने का, या फिर कुछ ऐसी बातें जो आपको वहाँ मतलब सीखने के लिए भी मिलेगा और साथ में कुछ आपको गिफ्ट भी दिया जाएगा। दिल्ली पुलिस का बैच है, एसएससी सीजीएल 2023 के बैच है। अगर हम बात करें एजुकेटर स्पेसिफिक कोर्स, यहाँ पे अनअकैडमी के स्टोर बेनिफिट्स क्या क्या हैं वो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। सबसे ज़्यादा स्टोर बेनिफिट्स आपके प्यारे विद्यार्थियों, जो कि आपको टेस्ट मिलेगा, फुल लेंथ और मिनी डेली प्रैक्टिस सेट, एजुकेटर स्पेसिफिक कोर्सेस आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। साथ ही में आप मनपसंद जो टीचर हैं उनके बैचेस ले सकते हैं, यहाँ पे आपको मिलेगा पीडीएफ। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये नॉलेज समझ में आई होगी। और बहुत ही ध्यान से चूज करना अपनी पोस्ट। मैंने कहा आपको कि अगर बड़ी पोस्ट नहीं मिलती है, सपना पैसे के ऊपर मत भागो, सपना वर्दी को लेके मत भागो, सपना ये देखो कि प्यारे विद्यार्थी नौकरी करने के बाद एटलीस्ट आप अपने घर के आसपास रहें। अगर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग मत चूज़ करो, बिल्कुल डेफिनेटली चूज़ करो, लेकिन प्यारे विद्यार्थियों वो चीज़ मैं उसके लिए वो कह रहा हूँ जो नहीं जा सकता है, जो इकलौता हो या फिर घर में ऐसा ही बच्चा हो जो इकलौता हो देख नहीं पाए। ठीक है, तो उन लोगों के लिए मैंने ये बात बताई, आप देख सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी है। तो चलते हैं, मिलते हैं अगली कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।